ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 2018 में नैना देवी फॉरेस्ट रेंज में अवैध खैर कटान मामले को लेकर विजिलेंस विभाग द्वारा मामला दर्ज कर लिया गया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए दो फॉरेस्ट गार्ड सहित एक बीट ऑफिसर को गिरफ्तार किया गया है, जिनको अब 4 सितंबर को पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। वहीं विजिलेंस विभाग के एएसपी कुलभूषण ने मामले की जानकारी देते हुए अवैध खैर कटान मामले में शामिल कई और ठेकेदारों व वन कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। फरवरी 2018 में नैना देवी फॉरेस्ट रेंज में अवैध खैर कटान मामले को लेकर विजिलेंस विभाग द्वारा मामला दर्ज किया गया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए दो फॉरेस्ट गार्ड सहित एक बीट ऑफिसर को गिरफ्तार किया गया है, जिनको अब 4 सितंबर तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। वहीं विजिलेंस विभाग के एएसपी कुलभूषण ने मामले की जानकारी देते हुए अवैध खैर कटान मामले में लिप्त कई और ठेकेदारों व वनकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। गौरतलब है कि विजिलेंस विभाग की ये कार्रवाई सलोहा व कोट ब्लॉक के तहत की गई है, जबकि बड़ो भाखड़ा और बस्सी ब्लॉक को लेकर कार्रवाई की जानी है, जिसके बाद मामले में संलिप्तता पाए जाने वाले कई और वनकर्मियों व ठेकेदारों सहित अन्य लोगों की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये फरवरी 2018 में विजिलेंस बिलासपुर के पास श्री नैना देवी जी फॉरेस्ट रेंज में खैर के अवैध कटान का मामला दर्ज हुआ था। इसमें अभी तक छानबीन चल रही थी। अभी प्रारंभिक साक्ष्य जो थे वो फॉरेस्ट गार्ड और बीओ के खिलाफ कुछ तथ्य मिले थे, जिसमें ये पाया गया था कि उनकी संलिप्तता इसमें मिली है। तो उसको आधार बनाकर दो फॉरेस्ट गार्ड और एक बीओ जो कि सलोहा में तैनात थे, उनको पुलिस ने हिरासत में लिया और उनका पुलिस रिमांड 4 सितंबर तक लिया गया है। श्री नैना देवी जी फॉरेस्ट रेंज में कुल करीब 18,000 खैर के पौधों का सरकारी भूमि से अवैध तौर पर कटान होना और चोरी होना की कंप्लेंट थी। अभी तक इसमें सलोहा और कोट ब्लॉक की हम इसमें छानबीन कर पाए हैं। रिमेनिंग जो 3 ब्लॉक्स हैं, बड़ो भाखड़ा और बस्सी, उसकी भी हम इसको आगामी तफ्तीश इसमें करेंगे। जो भी इसमें फॉरेस्ट कर्मी या ठेकेदार या प्राइवेट पर्सन जो भी इसमें इन्वॉल्व है, उनकी इसमें छानबीन कर रहे हैं। संलिप्तता कितनी है उसकी अभी तफ्तीश चल रही है। जिसके खिलाफ भी तथ्य आएंगे उस पर हम डेफिनेटली आगे कार्रवाई करेंगे।